हाँ तो भैया क्या हाल है। सोचा था पुणे से वापस लौटने के बाद 12 तारीख से ही मैं वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू कर दूंगा, फिर सोचा छोड़ो एक दो दिन और वेट कर लेते हैं, फिर सीधा द फ्लैश और आदि पुरुष के रिव्यू के साथ ही वीडियो शुरू करूंगा। बट द फ्लैश तो छूट गया ड्यू टू फीवर, पर समहाउ आदि पुरुष देखने का मौका मुझे मिल ही गया। पर बाद में मैंने यही सोचा कि एक दिन फीवर और एक्स्ट्रा हो जाता तो क्या ही हो जाता। वैसे आज नहीं तो कल ये फिल्म तो देखने बनता ही था भाई। पता तो चले कि इतने सारे गांजा फूक कर फिल्म बनाने वाले का आउटपुट आखिर कैसे निकलता है। सो आंसर इज हियर, ऐसा निकलता है। अब देखो भाई, आई नो बहुत से लोग इसे क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देंगे, तो चलो कैरेक्टर्स के लुक के बारे में हम बात ही नहीं करते, मगर डायलॉग्स भाई इनके तो क्या ही कहने। फरहाद समझी लॉफिंग एट द कॉर्नर वाला ही मोमेंट था ये तो। यार सच में बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि इसके डायलॉग्स रील्स और शॉर्ट्स के पानी पुरकने वाले इन एक्टर्स ने ही लिखा होगा। हद है भाई इतने क्रिंज। तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। और ऐसा डायलॉग सुनाने के लिए मेकर्स ने हनुमान जी के लिए भी एक सीट रिजर्व रखा था। मैं तो इतने सारे वाहियात डायलॉग सुनने के बाद ये उम्मीद कर रहा था कि रावण अब बस यही बोलने वाला है कि वाव हनुमान जी आप यहाँ कैसे वाव। ऑल्दो ये बात मानना पड़ेगा कि एक समय के बाद सैफ अली खान अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग के दम पर दर्शकों को ऐसा रियलाइज करवाने लग जाते हैं कि यस वो मॉडर्न रावण के रूप में थोड़े सही हैं। बस ये विराट कोहली वाला हेयर कट और 5x5 वाला हेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था। आई नो ऐसा करना भी इस मॉडर्न रावण की मजबूरी ही रही होगी, क्योंकि भाई शॉर्ट्स और रील्स का जो जमाना है और उसमें पूरे हेड्स तो दिखने ही चाहिए ना। खैर वैसे डायलॉग्स के बाद अब अगर वीएफएक्स की बात करें तो भाई इनके तो क्या ही कहने। आई एम 100% श्योर कि इसको बनाने वाले आर्टिस्टों के पीछे एकता कपूर ही खड़ी रही होगी। पर ऐसा नहीं है कि पूरी फिल्म का वीएफएक्स बेकार है, एक्चुअली बहुत से जगह कुछ शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, शायद उस टाइम एकता कपूर ने ब्रेक लिया रहा होगा। वैसे वीएफएक्स इसकी कमजोर कड़ी थी, ये बात तो हम पिछले एक साल से सुनते आ रहे हैं, तो इसपे बात करना और इससे उम्मीद रखना बेवकूफी ही होगी। हाँ बट एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा था कि इस फिल्म में अपनी कमियां छुपाने के लिए जो पुट्टी मारकर लीपापोती की गई है उससे क्वालिटी और भी ज्यादा बेकार ही हुआ है, इम्प्रूव नहीं। एंड समहाउ इसका इम्पैक्ट प्रभास के ऊपर ही ज्यादा पड़ता दिखाई दिया। चिन वाला पार्ट कुछ जगह ऐसा लग रहा था जैसे उसे अलग से मास्क किया गया हो, और एक तो प्रभास इसे श्री राम जम ही नहीं रहे थे, और ऊपर से ऐसा टेक्निकल ग्लिच श्री राम जी के बिना रामायण वाली फीलिंग दे रहा था। अब ये सुनने के बाद हो सकता है प्रभास फैंस मुझे प्रभास हेटर घोषित कर दें, तो मैं उन्हें बता दूं कि बाहुबली आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवी है जिसने मुझे प्रभास का फैन बना दिया था। बट समहाउ इस फिल्म में वो श्री राम जी के रोल में बिल्कुल भी फिट नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ वाहियात ही है, इस फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली अच्छे थे, सुनने में थोड़े गूज़बम्प्स देते हैं, पर ये पूरी फिल्म को चलाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। फिल्म रूपी तीर आज नहीं तो कल चलनी ही थी, सो चल गई, और इससे मिस्टर ओम राउत जी को भी काफी शांति मिलेगी। हो सकता है वो इस प्रोजेक्ट को अपना नाइटमेयर समझकर भूल जाएं। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ आई नो इस बार ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, पर अब मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर लेकर आते रहने की। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।